टेंसेग्रिटी स्ट्रक्चर या ढांचा बहुते अद्भुत हवे, काहेकि कि आप लोग के बहुते आसान और साधारण सामग्री से बना सके नहीं जा। एकरे खातिर आपके 3 गो मजबूत स्ट्रॉ लगी और 4 गो ऊन का घेरा लगी। पहले एगो स्टिफ स्ट्रॉ ले लें और ओकरे दोनों छोर पे टेप लगा लें और ओकरे बाद कोना के 5 mm काट लें। आप लोग देख सकते हैं कितने अंत के दोनों कट के बीच का लंबाई 16 सेंटीमीटर होके तीनों स्ट्रॉ में आप लोग देख सकते हैं। अब ये तीनों स्ट्रॉ के एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रख लें, जैसे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस हो खेला, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कहले के बाद एगो हरा ऊन का धागा ले लें और ओके 3 गो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड पे खाचा में डाल लें ताकि एगो त्रिकोण बन सके। यही तरह गुलाब की धागा से भी दूसरे तरफ का त्रिकोण बना लें। यही तरह पिल का धागा भी लगा लें और फिर गुलाब की धागा या मेजेंटा कलर का धागा भी आप लोग लगा सके नीजा। ऐसा कैले पे अपन ऑक्टाहेड्रन तैयार हवे। ऐसा कैले से अपन तीनों डंटी जगह पे रहेला और उनका धागा भी टेंशन में रहेला। ये बहुत ही अच्छा मॉडल हवे। एक आप लोग रबर बैंड और स्टिफ स्ट्रॉ से भी, मतलब अच्छा स्ट्रॉ से भी बना सके नीजा। अब आइकोसोहेड्रन बनाए खातिर आप लोगों के ऐसा 6 गो पाइप और 6 गो उनका धागा लगी। आइकोसोहेड्रन बनाए खातिर हर स्ट्रॉ का लंबाई 15 सेंटीमीटर होके और धागा का लंबाई 35 सेंटीमीटर होके। ई बनाए खातिर पहले 2 गो हरा लूप वाला डंठी ले लें और ओके लाल वाला धागा के डंठी में अटका लें। आप लोग देख सकें जा कितने तरह। ऐसा कहले के बाद पीला धागा वाला डंठी लाल वाला में लटका लें। एगो पील का धागा लगाने के बाद दूसरे तरफ भी पील का धागा वाला डंठी लगा लें। ऐसा कहले पे अपन आइकोसोहेड्रन वाला मॉडल भी तैयार हो गई लगे। आप लोग ऐसा आकार झाड़ू के डंठी से भी बना सके नीचे और धागा से। हवे ना बहुत अच्छा प्रयोग।